दोस्तों, आप लोगों को नीतीश कुमार कॉलेज कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। यह चैनल नीतीश सर का ही नहीं बल्कि आपका प्यारा भाई नीतीश सर का आपका प्यारा भाई का ये आपका चैनल है। इस चैनल में जैक, सीबीएसई तथा आईसीएसई से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित जितना भी अकाउंटेंसी, बीएमटी, बीएसटी और जितना भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है इस चैनल में बताया जाएगा। आज हम लोग इस टॉपिक में अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ेंगे माल और संपत्ति में क्या अंतर है, गुड्स एंड एसेट्स में क्या अंतर है। अब यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आज जो चर्चा होगी वो होगी माल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गुड्स। बहुत सारे विद्यार्थी लोग जो हैं माल का मतलब कुछ अलग मीनिंग निकाल देते हैं, लेकिन कॉमर्स में कुछ इसका मीनिंग अलग है। माल का इंग्लिश होता है गुड्स। गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स किसे कहते हैं? तो चलते हैं आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि गुड्स और एसेट्स में क्या अंतर है। तो माल किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, तो चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जब कोई बिजनेसमैन किसी व्यवसाय को प्रारंभ करता है, अर्थात जिस चीज का बिजनेस करता है वह चीज उस मालिक के लिए माल कहलाता है, जिसको हम लोग गुड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते, सपोज दैट आपने कपड़ा का व्यवसाय प्रारंभ किया, तो यहाँ पे कपड़ा जो है उस बिजनेसमैन के लिए गुड्स कहलाएगा, जिसको हम लोग माल कहते हैं। उसी तरह मान लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल, कोई बिजनेसमैन जैसे पोल्ट्री फॉर्म का मतलब मुर्गा का दुकान प्रारंभ किया, तो वहाँ पे मुर्गा जो है उसके लिए गुड्स का काम करेगा। सपोज दैट उसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन मान लेते हैं सपोज दैट वो आपका जैसे बुक का व्यापार प्रारंभ किया, तो बुक जो है उसके लिए गुड्स कहलाएगा। उसी तरह बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कोई आपका मान लेते सपोज दैट आपका कोई जींस का व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है, तो जींस उनके लिए गुड्स का काम करेगा। कोई मान लेते सपोज दैट कोई बिजनेसमैन जो है वो आपका सिर्फ कैप ही बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कैप जो है उस बिजनेसमैन के लिए जो है गुड्स कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुड्स किसे कहते हैं, माल किसे कहते हैं। तो एक लाइन में बोलेंगे, जब कोई बिजनेस का मालिक जिस चीज का व्यवसाय प्रारंभ करता है, तो वह वस्तु उस बिजनेसमैन के लिए गुड्स कहलाता है। वेन एनी बिजनेसमैन स्टार्ट पार्टिकुलर थिंग्स, दोस पार्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल्स सपोज दैट जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति था, मान लेते हैं सपोज दैट मुकेश अंबानी। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी का जो है पूरा भारत में, पूरा दुनिया में चर्चा है कि वो जियो का बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जियो सिम, यहाँ पे सिम उनके लिए गुड्स का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में माल कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है जब कोई बिजनेसमैन किसी भी वस्तु को बार बार खरीदता है और बार बार बेचता है, तो उसे हम लोग गुड्स कहते हैं। जैसे कोई कपड़ा का व्यवसाय प्रारंभ किया, तो यहाँ पे वह व्यापारी जो है बार बार कपड़ा खरीदता है और बार बार बेचता है। जैसे कोई मान लेते हैं कि मुर्गा को व्यवसाय कर रहा है, तो बार बार वो मुर्गा का परचेज करता है और बार बार सेल करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मुर्गा जो है गुड्स का काम कर रहा है। अर्थात गुड्स का मतलब ही होता है कि जब कोई बिजनेसमैन किसी भी वस्तु को बार बार परचेज करे और बार बार आपका उसको सेल करे, तो उसे हम लोग गुड्स कहते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग माल कहते हैं। यहाँ पे गुड्स का मतलब बहुत सारे विद्यार्थी लोग जो है अच्छा, बहुत अच्छा निकालते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, कॉमर्स के भाषा में डिफिनेशन ये है अकाउंटिंग टर्म्स में। ठीक है, अब चलते हम लोग संपत्ति की ओर। गुड्स का मीनिंग समझ में आ गया, अब हम लोग देखेंगे संपत्ति किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। संपत्ति का मतलब और गुड्स में क्या अंतर? संपत्ति का मतलब हुआ कि जब कोई बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अलग से गुड्स के अलावा और बहुत सारी चीज वस्तुओं को खरीदता है,
जो बिजनेस को चलाने में मदद करता है वह वस्तु जो होता है वो संपत्ति कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है कपड़ा का व्यवसाय प्रारंभ कर रहा है, तो यहाँ पे कपड़ा जो है ये गुड्स है, लेकिन वही बिजनेसमैन कपड़ा का व्यवसाय के लिए क्या किया, अलग से आपका टेबल फैन खरीदे, चेयर खरीदे, ठीक है, टीवी खरीद लिए हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे जो है टेबल फैन एटसेट्रा वो आपका एसेट्स कहलाएगा। और एग्जाम्पल पे जान सकते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है आपका बुक का बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे बुक गुड्स है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि बहुत सारा चेयर रखे हुए हैं, अलग से फैन रखे हुए हैं, और मान लेते हैं बहुत सारी चीज़ रखे हुए हैं, वहाँ पे जो फैन है टीवी है तो वह चीज़ जो है एसेट्स कहलाएगा, जिसको हम लोग संपत्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण मान लेते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एसेट्स का मतलब हुआ कि जो वस्तु बार बार खरीदा नहीं जाता और बार बार नहीं बेचा जाता, बल्कि लैब में कभी कभी उसको बिजनेस में खरीदा जाता है, उसे संपत्ति कहते हैं। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, गुड्स और एसेट्स में अंतर क्या है। गुड्स और एसेट में यही अंतर है कि गुड्स को बार बार खरीदा जाता है, बार बार बेचा जाता है, उसे हम लोग गुड्स या तो माल कहते हैं, लेकिन संपत्ति जो होता है उसको बार बार खरीदा नहीं जाता, उसको बार बार बेचा नहीं जाता, जब आवश्यकता पड़ता है तभी संपत्ति को बेचा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि संपत्ति जो है किसी बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, और इसको आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इसको नगद में चेंज किया जा सकता है, इसे हम लोग संपत्ति कहते हैं। यही ये दोनों में अंतर था। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड गुड्स। ये दोनों में अंतर आपने को देखने को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक कंक्लूजन, अंतिम में आप लोग को बता देना चाहूँगा कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो आप लोग दिमाग में रखिएगा कि गुड्स और संपत्ति में पहला डिफरेंस ये हुआ कि गुड्स को बार बार खरीदा जाता है, बार बार बेचा जाता है, लेकिन संपत्ति को मतलब एसेट्स को बार बार खरीदा नहीं जाता, बार बार बेचा नहीं जाता। दूसरा अंतर बोल सकते हैं कि जिस चीज का बिजनेस शुरू किया जाता है वह वस्तुएं माल का काम करता है, गुड्स का काम करता है, लेकिन संपत्ति क्या है कि बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, और सत्ता अनुसार इसे भविष्य में नगद में चेंज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि ए नाम को कोई बिजनेसमैन थे, उन्होंने कपड़ा का व्यवसाय प्रारंभ किए, तो यहाँ पे कपड़ा जो है ये गुड्स का काम किया। उसी तरह मान लेते कोई दूसरा व्यक्ति, मान लेते बी नाम को कोई व्यक्ति है, उन्होंने आपका मान लेते हैं कि सपोज दैट आपका मुर्गा का व्यवसाय प्रारंभ किया, तो वहाँ पे कॉक जो है उनके लिए गुड्स का काम करेगा। उसी तरह सेम तीसरा डिफरेंस संपत्ति में देखेंगे कि कोई व्यक्ति जैसे ये थे ए नाम का जो बुक व्यवसाय कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने अलग से फैन रखे, टेबल रखे, कुर्सी रखे, तो उसे हम लोग संपत्ति कहते हैं। ये देयर आर डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स। ये अंतर था आज का टॉपिक। यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं, और आगे अब जो है बहुत सारे जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, वे लोग को कमेंट आए हैं कि प्रत्येक दिन सर आप जो है 5 वर्ड्स जो है वकैब्स जो है आप बता दिया कीजिएगा, ताकि इट प्रेजेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस लैंग्वेज, सो प्लीज यू हैव टू टेल मी 5 वकैब्स एवरी डे। चलिए कॉमर्स में टॉपिक तो समाप्त हो गया, 5 तो लोग जान गए आपका गुड्स और एसेट्स में क्या अंतर है। अब हम लोग जो है 5 वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 5 वर्ड जो है अगर आप लोग इसको लैब में, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर लाइफ, यू विल यूज इन लाइफ, इट इज़ वेरी एडवांटेज फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। या आपके जीवन में ये 5 वर्ड्स अगर आप डेली आप याद करेंगे तो आप लैब में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, चाहे पेपर हो, चाहे किसी से टॉकिंग कर रहे हैं, जो कोई भी ऑफिशियल व्यक्ति हो वहाँ से अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए पहला वर्ड है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक, हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? फ्रूटफुल। इंग्लिश में लिखा हुआ फ्रूटफुल, हिंदी में बोलते हैं लाभदायक। जैसे बहुत सारे व्यक्ति लोग बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सपोज आप कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बोले कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं
कि दिस क्वेश्चंस आर वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बोल सकते हैं वेकेशन दैट कि दिस क्वेश्चंस आर वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, या दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। दिस पर्सन विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, यह व्यक्ति आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। फ्रूटफुल का मतलब ही हुआ कोई चीज आपके लिए फायदा का काम करे, तो वहां पे हम लोग फ्रूटफुल बोलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी उसको फ्रूट का मतलब फल समझते हैं, फूल का मतलब बहुत सारे फल समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ फ्रूटफुल का मतलब हुआ लाभदायक, मतलब अच्छा, है ना, फ्रूटफुल बोल सकते हैं। इसको एडवांटेज सिंपल में बोलते हैं, लेकिन द हिंदू पेपर में कहीं पढ़िएगा तो फ्रूटफुल का मतलब होगा लाभदायक। चलते हैं सेकेंड वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब होता है हानिकारक, क्या होता है हानिकारक। फ्रूटलेस का मतलब होता है हानिकारक, फ्रूट का मतलब फल नहीं, लेस का मतलब कम नहीं, मतलब फ्रूटलेस का मतलब हानि। जैसे सपोज दैट हम बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग प्रत्येक दिन मानते सिगरेट आप स्मोकिंग करते हैं, तो कह सकते हैं ये आपके लिए फ्रूटलेस का काम होगा। सपोज दैट आप क्या करते हैं कि प्रत्येक एवरी डे आप समोसा खाते हैं, तो ये बोलेंगे समोसा आपके लिए फ्रूटलेस का काम करेगा, ये आपके लिए फ्रूटलेस है। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि आप प्रत्येक दिन मानते किसी को बंदूक ले जा रहे हैं और किसी को बोलते हैं गोली से मार देंगे, ठीक है, अगर आप गोली मारेंगे वो आदमी तो मर जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप ये जो है आप फ्रूटलेस का काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में हो सकती है व्यक्ति आपको फिर से आपको जवाब देगा, ठीक है। तो फ्रूटलेस का मतलब हुआ हानिकारक। तीसरा चलते हैं पास अवे, जिसको हम लोग सिंपल इंग्लिश में डेड बोलते हैं। पास अवे का मतलब देहांत हो जाना। जब कोई पेपर आप हिंदू पेपर या द इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी पीआरएस पढ़िएगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा पास अवे। पास अवे का मतलब होता है, पास का मतलब ऐसे नहीं कि जो एग्जाम विद्यार्थी लोग पास हो जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी लोग समझते हैं कि हम पास कर गए वो चीज़ है, लेकिन पास अवे का मतलब होता है देहांत हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति थे सपोज दैट उनका देहांत हो गया, खास करके ये जो वर्ड होते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए जो पॉपुलर है लेजेंड पर्सन है उनके लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि बहुत ही पहले आपका अ लॉट ऑफ पीपल्स डाई इन कोरोना वायरस, बहुत सारे लोग मरे, तो किसी को आप बोल सकते हैं जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मान लेते हैं कि आप लोग बहुत पहले बहुत सारे लोगों का देहांत हुआ है, ठीक है, तो वैसे इस दिन बोल सकते मान लेते आप लोगों कोई पॉपुलर व्यक्ति थे तो बोलेंगे ही पास्ट अवे, ही पास्ट अवे मतलब उनका देहांत हो गया, ही पास्ट अवे, ठीक है। तो पास अवे का मतलब हुआ देहांत हो जाना, ठीक है। अब चलते हैं पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है समय को बढ़ा देना। जैसे यहाँ पे फोन का मतलब ये नहीं समझे जो फोन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी लोग समझ लेते फोन का मतलब फोन करना, ठीक है, पोस्ट का मतलब पोस्ट कर देना, लेकिन नहीं, पोस्टपोन का मतलब हुआ समय को बढ़ा देना। आप लोग अभी तुरंत रिसेंटली ही 5 या 10 दिन पहले रिजल्ट आया सीबीएसई का जैक का, तो उसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि जो समय था रिजल्ट उन्हें पहले आने वाला था जून या जुलाई, लगभग अप्रैल या मई में रिजल्ट आने वाला था, तो वहाँ पे क्या किया जो अप्रैल या मार्च में जो रिजल्ट आने वाला था तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस समय को आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है, अब जो है जुलाई में निकला 31 जुलाई तक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्टपोन उसको कर दिया गया है ना, जो भी कोई चीज़ आने वाला रहता है समय रहता है उस समय को आगे बढ़ा दिया जाता है, उसको हम लोग पोस्टपोन बोलते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि आपका योर एग्जाम हैज पोस्टपोन्ड, ओके। अब चलते हैं पोस्टपोन का मतलब हुआ कि जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम को आपको आगे बढ़ा दिया गया, तो वहाँ पे बोलेंगे पोस्टपोन। अब चलते हैं जो लास्ट वर्ड है ये है डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है तिथि का अंत हो जाना, मतलब किसी चीज़ का समाप्ति हो जाना, एक्सपायर हो जाना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं जैसे कोई मान लेते हैं कि सपोज दैट ये आपका लैपटॉप है, लैपटॉप बहुत पहले मान ली सपोज दैट ये तो 20 साल, अब वहाँ पे इसको देख रहे हैं कि ऐसा स्थिति आ गया है कि आप ये चल ही नहीं सकता है। अब वहाँ पे लिखा हुआ था इसका जो भी स्लिप था उसमें लिखा हुआ था कि इनका डेडलाइन जो है 20 ईयर के बाद हो जाएगा, मतलब ये कब एक्सपायर हो जाएगा। अब दवा भी लेते हैं तो वहाँ पे दवा भी लिखा होता है एक्सपायरी डेट लिखा होता है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं डेडलाइन, क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट व्हाट इज द डेडलाइन फॉर दिस मेडिसिन, उसका डेडलाइन क्या है, या बोल सकते हैं सपोज दैट व्हाट इज द डेडलाइन फॉर दिस लैपटॉप, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर दिस दैट कीबोर्ड, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर दिस हाउस। तो डेडलाइन का मतलब हुआ समय की समाप्ति, इसका कब अंत होगा। तो ये था आपका, दीज आर द 5 buckets and I will provide every day
So you have to remember your mind, and these are very fruitful words for you. अब चलते देखिए दोस्तों, ये मैंने न्यू टू आपको जो चैनल बनाया हूँ, इसमें खास करके जो है सिर्फ जैक ही नहीं, CBSE, ICSE बोर्ड और अदर रिमेनिंग बोर्ड, इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक आपका चर्चा करूँगा, टॉपिक वाइज टॉपिक चर्चा करूँगा। आज मैंने शुरुआत में सबसे पहले गुड्स और एसेट्स के बारे में बताया। ये चैनल जो है ये आप लोग नहीं समझिएगा कि नीतीश सर का चैनल, आप ये समझो आपका लविंग ब्रदर नीतीश सर का चैनल है, आपका अपना भाई का चैनल है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा इंडिया में आपको फैलाना है, टॉपिक वाइज टॉपिक। मैंने बहुत सारा चैनल देखा लेकिन उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर नहीं है, पूरा शुरुआत से पूरा बॉटम जिसको बोलते हैं स्टार्ट टू एंड, पूरा बेसिक वन बाय वन टॉपिक का चर्चा करते हुए जाएंगे और पूरा टॉपिक जितना भी अकाउंटिंग जो आपका कॉमर्स में चलता है अकाउंटेंसी में पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये अकाउंटेंसी ही नहीं, इसमें इसके अलावा मैं आप लोगों को BMT भी पढ़ाऊंगा, इसके अलावा आपका BST भी है, ETP भी है, ये सारा सब्जेक्ट। लेकिन होता क्या है कि सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका सेटबैक जो आती है वो गुड्स ऑफ मत सॉरी ये अकाउंटिंग में ही आती है। इस कारण से मैंने इस टॉपिक को पहला चर्चा कर रहा हूँ। मैं आप लोग को प्रत्येक दिन कोशिश करूंगा एक वीडियो अपलोड करने का, और जैसे जैसे मेरे पास समय मिलेगा उसके बाद मैं 2-3 वीडियो, और उसके बाद कुछ दिन के बाद आप लोग के बाद मैं यहाँ पे ऑनलाइन उसको बोलते हैं लाइव क्लास में आप लोग को चालू करूंगा। तो मैं आप लोग का जाते समय आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस जो चैनल है नीतीश कुमार क्लासेस को पूरा भारत में पूरा आप लोग को इसको स्प्रेड कर देना, पूरा फैलाना है अपने दोस्तों के साथ, 20 या कम से कम 20 एक व्यक्ति जो है कम से 20% उसको शेयर करेंगे, ताकि ये चैनल मेरा नहीं बल्कि आप ही का लविंग ब्रदर का ये चैनल है। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं, कल बात करते हैं, हैव ए नाइस।